के पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी की अध्यक्षता में की गई है और इसी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना योद्धाओं और पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। बिहार के पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी की अध्यक्षता में की गई। समस्तीपुर रेल मंडल में लॉकडाउन अवधि के दौरान महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि श्रमिकों को मुफ्त में भोजन पैकेट, पूरी, सब्जी, अचार, कुल 145 विशेष श्रमिक गाड़ियों में लगभग 1,93,523 भोजन पैकेट और पानी बोतल का वितरण किया गया। जिला मंडल की ओर से अप्रैल और मई महीने में बदलाघाट, सहरसा और रेल प्रशासन के आग्रह से दरभंगा, बेतिया, मधुबनी और सुपौल स्टेशन से दुर्ग, बरौनी, दानापुर के लिए विशेष श्रमिक गाड़ियों की बुकिंग की गई, जिसमें लगभग 89,95,650 रुपए रेल राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं। मंडल की ओर से अप्रैल और मई महीने में बदलाघाट, सहरसा और सरसी से 151 वैगन मक्का की लैंडिंग की गई, जिससे 49.93 लाख रुपए अर्जित किए गए। रेल बोर्ड के निर्देशानुसार 56 पुराने कोचों को आइसोलेशन कोच के रूप में बदला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। इसी करें जो दरभंगा यहाँ पे काट सकते हैं। लॉकडाउन के तुरंत बाद फर्टिलाइजर, एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई निरंतर जारी, ताकि वो टारगेटेड पीडीएस के माध्यम से आम लोगों तक, जनता तक पहुंचा पाए सामान, चावल के बिहार सरकार प्रायोरिटी देते हैं। इसके बावजूद भी ट्रक्स बंद थे, लेबर्स अवेलेबल नहीं थे, हमने जिला कहीं पर भी इस तरह का कोई संकट खाद्यान्न का नहीं पाया। दूसरे चरण हमने देश के कोने कोने में फंसे हुए अपने लोगों को वापस बुलाया और अब जब लॉकडाउन का अनलॉक का ये चरण जो रेल सेवाएं बहाल कर रहे हैं, ताकि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं वो वापस अपने जगह पहुंच सकें, यात्रा कर सकें और जिन्हें किसी कार्य से कहीं जाना है वो सीमित तौर पर चल सकें। इस बीच हमारे कई विभागों ने बहुत ही अद्वितीय, इस बीच में मक्के का जो एक बहुत बड़ा कारोबार होता है यहाँ से लदा भी है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सारी सेवाएं, सारी जो सिस्टम है वो पुनः रिस्टोर हो और फिर से रेल सेवाएं उसी तरह चले जैसे पहले थी। आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने लगातार फीडबैक दिया हम लोगों को और लगातार हम लोग आप लोग के संपर्क कर रहे हैं।